श्रादीय नवरात्रि का समय चल रहा है। माँ शक्ति की उपासना के इस महापर्व में 9 दिनों तक व्रत रखे जाते हैं। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार नियम अनुसार देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उन्हें प्रसन्न करने के लिए व्रत किया जाता है, लेकिन कई बार व्रत भूलवश भंग या टूट जाता है और व्रत दोष उत्पन्न होता है। ऐसे धर्म संकट से बचने के लिए शास्त्रों में नियमों का उल्लेख किया गया है। आइए जानते हैं कि व्रत खंडित होने पर क्या करना चाहिए। अगर आपका भूलवश व्रत खंडित हो गया है तो आपने जिस देवी देवता के लिए व्रत रखा है उनकी उपासना करते हुए माफी मांगनी चाहिए। देवी देवता के नाम का घर में हवन जरूर करवाना चाहिए और व्रत भंग की क्षमा मांगनी चाहिए। हवन के बाद प्रार्थना करते वक्त कहें कि जो हमारे द्वारा व्रत भंग हुआ था उसका दोष दूर करें और व्रत पूर्ण करें। व्रत दोष के लिए उसी देवी देवता की मूर्ति बनाकर उसको सबसे पहले दूध, दही, शहद और शक्कर को मिलाकर पंचामृत में स्नान कराना चाहिए। जिस देवी देवता का व्रत टूटता है उस देवी देवता के विशेष मंत्र को पढ़ने के साथ उसकी पूजा करनी चाहिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए बोल्ड स्काई को सब्सक्राइब करना ना भूलें।